विद टुडे। इबन खलदून की फ़िलासफ़ी की रेलिवेंस अगर आज के ज़माने के साथ उसको रिलेट करना हो तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है एंड व्हेन वी वांट टू डिस्कस अबाउट इबन खलदून कंट्रीब्यूशन इन कॉन्टेक्सट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, तो हम ये कहने में वजह हैं कि इपन खलदून एक ऐसे बड़े पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनके नज़रियात जिनकी कंट्रीब्यूशन की रेलिवेंस आज के मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर भी है बिकॉज इट इज़ इम्पॉटेंट दैट आफ्टर ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड यर्स लेटर दी दैट इबन खलदून इंट्रोड्यूस्ड इन द मुकदमा आर स्टिल रेलिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड टूडे बिकॉज There are many governments, those are trying to extend their social solidarity or social cohesion even nowadays. That is because the social cohesion is the most important indicator of modern day's world order. So, uh, it is generally accepted that nations built upon strong internal bonds whose citizens share a common sense of identity and who feel able to trust their neighbors their institutions and governments are more likely to thrive and prosper than those who sh did not have the same situation and the people the societies those are divided and those are fragmented they are uh, considered much more weaker so, with this uh, situation, while keeping in mind the political polarization that is sweeping across Western democracies nowadays, it is actually a, a concern for the Western democracies. So, we can say that if Ibn Khaldun's theory of history holds true, we might be witnessing the first stage in the declining of the Western powers that have dominated the world stage since the fall of the Islamic empire so many uh, experts of society, political sociology, international relations and even political science they are claiming that the 21st century will be known as the Asian century. Asian <speaking in foreign language> सोसाइटी कहलाएगी और यही मुल्क जो हैं ये डोमिनेट करेंगे दुनिया की पॉलिटिक्स को लेकिन इन इन के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये चैलेंज है अकॉर्डिंग टू इब्ने खलदून जो इब्ने खलद की फ़िलासफ़ी है अगर उसको हम रिलेट करें आज की उन स्टेट्स के साथ जो इस वक्त राइज़ कर रही हैं किस बेस पर इक्नॉमिक बेसिस पर ठीक है तो इकनॉमिक बेसिस पर राइज़ करने का फॉर्मूला उसके साथ इब्ने अपने की जो कंडीशन थी वो ये थी कि अगर इंटरनली ये सोसाइटीज़ स्ट्रॉन्ग होंगी अगर इनके अंदर सोशल सॉलिडारिटी होगी तो ही इनका राइज मुमकिन है इसमें हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है वो इंडिया के हवाले से बात कर सकते हैं कि इंडियंस गवर्नमेंट्स का ये क्लेम है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी के तौर पर राइज़ करने जा रहा है लेकिन उनकी जो सोशल सिचुएशन है जो उनका सोशल ऑर्डर है वहाँ पर जो चैलेंजेस हैं अगर वो चैलेंजेस उसी तरह से रहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ इब्ने खलद जो इब्ने खलदून की जो पॉलिटिकल सोशोलोजी की जो थेरी है उसके अंदर इंडिया एक राइजिंग पावर के तौर पर राइज़ करने में जो सबसे मेजर चैलेंज होगा वो इंडिया की इंटरनल सिचुएशन है क्योंकि इंडियन माशरा इंडियन सोसाइटी डिवाइड हो रही है डे बाय डे उनकी जो सोशल कोहैन है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा तो हम मुख्तसरा ये बात कर सकते हैं कि इबन खलद की जो फ़िलासफ़ी थी पोलिटिकल सोशोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनका ये जो नजरिया जो बहुत साल पहले उन्होंने दिया सोसाइटीज़ की राइज़ एंड फॉल के बारे में कि वही माशरे वक्त के साथ राइज करेंगे जो इंटरनली स्ट्रेंथन होंगे और फिर उनकी लीडरशिप के पास प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा तो यूरोप को पॉलिटिकल पोलराइजेशन का चैलेंज है और जो इस वक्त इकोनॉमीज हैं उनके यहाँ जो चैलेंज है वो सोशल कोन या सोशल सॉलिडेरिटी का है